जी, इस वक्त मार्केट 30 पॉइंट जो है उसमें कमी देखी गई है इस आज के दिन। अगर उसकी वजह देखें हम, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी एक रीजन थी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वजह से रही कि हमने देखा कि जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं जजेस को लेके, उसके अंदर काफी ज्यादा सरगर्मी देखी जा रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अगर हम देखें तो काफी ज्यादा प्रेशर में है। रेमिटेंसेस का डेटा मुस्बत आया जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मिड सेशन के अंदर जो है बाइंग एक्टिविटी देखी गई। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाक आईएमएफ की जो डील है उसके कोई नतीजे जो है सामने नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है ओवरऑल बाजार के अंदर प्रेशर है। लेकिन जाहिर है एक्टिविटी जो है प्रेशर में इस वजह से भी आ रही है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेल आउट फंड रिलीज नहीं हो रहे और जो कमिटमेंट्स दिए जा रहे हैं यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसके अंदर भी जो है हम देख रहे हैं कि कोई फंड रिसीव नहीं हुए, जिससे ओवरऑल जो है मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है और नेगेटिव क्लोज देखा जा रहा है।